ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारतीय टीम का मौजूदा विश्व कप में अंतिम मैच महेंद्र सिंह धोनी का अंतिम मुकाबला हो सकता है। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक धोनी विश्व कप के बाद क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। भारतीय टीम फाइनल में पहुंचकर 14 जुलाई को अगर विजय हासिल करती है तो यह उनके लिए आदर्श विदाई होगी। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि धोनी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है कि वह विश्व कप के बाद भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे। उन्होंने तीनों प्रारूपों से कप्तानी छोड़ने का फैसला भी अचानक ही लिया था। इस बारे में भी भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है। मौजूदा चयन समिति अक्टूबर में होने वाली आम सालाना बैठक तक बनी रहेगी। वह निश्चित रूप से अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व T20 के लिए बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर देगी। हालांकि भारत के यहाँ विश्व कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद न तो टीम प्रबंधन और न ही बीसीसीआई द्वारा इस मुद्दे पर खुलकर बात करना चाहता है। जहां तक रन जुटाने की बात है तो धोनी ने 7 मैचों में 93 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 223 रन बनाए हैं। इससे उनके छोर बदलने की अक्षमता नहीं दिखाई देती। हालांकि उनकी बल्लेबाजी में इच्छा की कमी और एक फिनिशर के रूप में कम होती काबिलियत की ओर इशारा किया गया है। सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ने भी उनके बल्लेबाजी के रवैये की आलोचना की है। MS धोनी की बल्लेबाजी पर हो रहे चौतरफा हमलों ने उनके कोच केशव बनर्जी को चिंतित कर दिया है। धोनी को क्रिकेट का ककहरा सिखाने वाले केशव साफ करते हैं कि जितना उन्हें अपने शिष्य के बारे में मालूम है यह सब उनके लिए ठीक नहीं हो रहा। हद से ज्यादा आलोचनाएं उनको अंदर से तोड़ देती हैं। वह यहाँ तक कहते हैं कि धोनी विश्व कप खत्म होते ही क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। वह बहुत आत्मसम्मान वाले व्यक्ति हैं। वह ज्यादा बोलते नहीं हैं, सब अपने अंदर रखते हैं। गैर जरूरी आलोचनाएं उसे अंदर से झकझोरती हैं। यही वजह है कि उन्हें लगता है कि वह विश्व कप के बाद क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। जहां तक उन्हें मालूम है कि वह गैर जरूरी आलोचना के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। उन्हें जरूर इस बारे में सोच रखा होगा, पर किसी को बताएंगे नहीं। जब उसने टेस्ट से संन्यास लिया था तो पत्नी माता पिता तक को नहीं पता था। उसकी घोषणा सुनकर वे सब हैरान हो गए थे। उनके मुताबिक शीर्ष क्रम उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता है तो मध्य क्रम पर बो जाता है। वहां सफल होने के अवसर 50-50 होते हैं। जब बल्लेबाज सफल नहीं होता तो लोग आलोचनाएं शुरू कर देते हैं। उन्हें नहीं लगता कि धोनी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 ओवर में 80 रन नहीं बन सकते थे। वह भगवान नहीं है, एक इंसान है। हर गेंद में 4 या 6 मारना संभव नहीं होता है। यह विश्व कप है, कोई इंटर स्कूल मैच नहीं। धोनी की आलोचना करने वाले पूर्व क्रिकेटर उस वक्त कहाँ थे जब सचिन ने 100वें शतक के लिए कई गेंदें खराब की थीं, तब कोई नहीं बोला था। सो दोस्तों, धोनी के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आगे ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिकाकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।